कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा निशाना साधते हुए कहा, दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अभी भी जिसको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हो रहा है, बनने के लिए तैयार नहीं है, और जो तैयार हो रहा है उसे बनाना नहीं है। नामांकन लेने सब जाएंगे, बाद में सब मान जाएंगे। नामांकन फार्म लेने जाएंगे, बाद में सब मान जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है। पर आप ये भी तो सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी 4 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाए, उस पार्टी की क्या स्थिति रही होगी। आज भी अधिकांश जगह से प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो रहा है वो तैयार नहीं है, जो तैयार है उसको बनाना नहीं है। बड़ी विचित्र दुविधाओं में कांग्रेस फंसी है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये इस दुविधाओं से उभरेगी। ये डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है, ये बिखरती चली जा रही है। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है, नबी साहब ने गुलामी से आज़ादी ले ली है, 8 विधायक कांग्रेस के गोवा में कांग्रेस छोड़कर चले गए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस छोड़े, अभी पूर्व विधायक जो सागर के थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए, आनंद शर्मा अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार भगदड़ का आलम है। आते यात्रा समाप्त होते होते तक वही स्थिति होगी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ